गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज अनिल के शर्मा और आज हम यूनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे यूनिक्स या फिर लाइनक्स में फाइल कमांड का प्रैक्टिकल डेमो देखेंगे। तो यूनिक्स या फिर लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे पास एक कमांड है जिसका नाम है फाइल कमांड। तो जो है सबसे पहले देखेंगे कि फाइल कमांड का फर्स्ट यूज क्या है। तो फाइल कमांड इज यूज टू डिस्प्ले द टाइप ऑफ फाइल। तो यूनिक्स में किसी भी फाइल का अगर हमें टाइप चेक करना है कि उस फाइल की टाइप क्या है, दैट मीन्स कि वो ऑर्डिनरी फाइल है या फिर टेक्स्ट फाइल है, एम्प्टी फाइल है, डायरेक्टरी फाइल है, तो फाइल के टाइप को चेक करने के लिए हम फाइल कमांड को यूज करते हैं। तो इसके लिए सिंपली क्या करना है, यूनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे जा करके हमें टाइप करना है फाइल, और जिस भी फाइल का टाइप चेक करना है उस फाइल का नाम देना है। तो यूनिक्स में या लाइनक्स में यहाँ पे हमारे पास एक फाइल है और उस फाइल का नाम है अनिल। तो इस फाइल का जो है मुझे टाइप चेक करना है, तो मैं टाइप करूँगा फाइल कमांड के साथ अनिल। तो आइए इसका जो है प्रैक्टिकल डेमो करके देखते हैं। तो ये हमारे पास रेड हैट एंटरप्राइज लाइनक्स 6 का वर्जन है, दैट मींस लाइनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पे फाइल कमांड को यूज करके चेक करेंगे कि अनिल नाम की जो फाइल है वो फाइल ऑर्डिनरी फाइल है, टेक्स्ट फाइल है, डायरेक्टरी फाइल है या कौन सी फाइल है। तो सबसे पहले जो है ये चेक करते हैं कि हमारे इस ऑपरेटिंग सिस्टम में अनिल नाम की फाइल एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। तो इसके लिए यूनिक्स या लाइनक्स में हमारे पास एक कमांड है जिसका नाम है ls कमांड। तो सबसे पहले ls कमांड को एग्जीक्यूट करके चेक करेंगे कि अनिल नाम की फाइल एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। तो यहाँ पर टाइप करेंगे ls और फिर एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे अनिल नाम की यहाँ पे हमारे पास फाइल है, अनिल वन नाम की भी फाइल है, राजेश नाम की भी फाइल है, रवि नाम की भी फाइल है, तो ये सारी फाइल है। तो अब जो है अब इसको चेक करते हैं कि अनिल नाम की जो फाइल है वो कौन सी फाइल है, टेक्स्ट फाइल है, डायरेक्टरी फाइल है, एम्प्टी फाइल है, कौन सी फाइल है। तो इसके लिए टाइप करेंगे फाइल file फाइल, और इसके बाद फाइल का नाम देंगे अनिल और एंटर प्रेस करेंगे। तो अनिल नाम की जो ये फाइल है ये ASCII टेक्स्ट फाइल है, दैट मीन्स अनिल नाम की जो ये फाइल है ना तो ये एम्प्टी फाइल है ना ही ये डायरेक्टरी फाइल है, ये टेक्स्ट फाइल है। इसी तरीके से एक राजेश नाम की फाइल है, इसको भी चेक कर लेते हैं ये कौन सी फाइल है। तो इसके लिए टाइप करेंगे file फाइल राजेश और इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। तो राजेश नाम की जो ये फाइल है ये कौन सी फाइल है, ये एक डायरेक्टरी फाइल है। तो इस तरीके से हमने देखा कि फाइल कमांड का जो फर्स्ट यूज है वो ये है कि किसी भी फाइल के टाइप को चेक कर सकते हैं। तो इसको क्लियर कमांड से क्लियर कर लेते हैं। तो clear क्लियर और एंटर, तो ये क्लियर हो गया। अब देखते हैं कि फाइल कमांड का सेकेंड यूज क्या है। तो फाइल कमांड का जो सेकेंड यूज है वो है -b along with the फाइल कमांड इज यूज टू सी द टाइप ऑफ फाइल इन ब्रीफ मोड। अब जो है किसी भी फाइल के टाइप को बहुत ही डिटेल में हम नहीं देखना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ब्रीफ मोड में दिखाए, यानी कि शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में दिखाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, फाइल कमांड के साथ -b को यूज करेंगे। तो सिंपली यूनिक्स या लाइनक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे जाकर के हमें टाइप करना है फाइल और इसके बाद -b को टाइप करना है ताकि फाइल का जो टाइप है वो बिल्कुल ब्रीफ मोड में आए, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में आए, डिटेल में ना बताए। -b और इसके बाद जिस भी फाइल का टाइप चेक करना उस फाइल का नाम अनिल। तो आइए इसका भी प्रैक्टिकल डेमो करके देखते हैं। तो यहाँ पे टाइप करेंगे फाइल और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन चाहिए, तो -b यानी कि पूरी डिटेल्स में हमें नहीं चेक करनी है कि फाइल का टाइप क्या है। तो -b और इसके बाद टाइप करेंगे अनिल।
फाइल और एंटर प्रेस करेंगे। तो ये जो है बता रहा है अनिल नाम की जो फाइल है वो आस्की टेक्स्ट है, दैट मीन्स अनिल नाम की फाइल जो है वो टेक्स्ट फाइल है। ये बहुत डिटेल्स में नहीं बता रहा है। अगर सिंपली हम टाइप करते हैं फाइल कमांड के साथ अनिल, तो ये थोड़ा सा जो है इसका लॉन्ग डिस्क्रिप्शन देता है। यहाँ पे फाइल का नाम भी आया है अनिल, इसके बाद बता रहा है ये टेक्स्ट फाइल है, लेकिन हम चाहते हैं कि और शॉर्ट में बताए, तो इसके लिए टाइप करेंगे फाइल हाइफन बी अनिल, तो ये और शॉर्ट में दिखाएगा। तो यहाँ पे फाइल का नाम ना शो करके जो है बता रहा है ये केवल आस्की टेक्स्ट है ये, दैट मीन्स अनिल नाम की जो फाइल है वो टेक्स्ट फाइल है। तो इस तरीके से हमने देखा फाइल कमांड का सेकेंड यूज। तो इसको क्लियर कर लेते हैं क्लियर कमांड से। तो क्लियर मैंने टाइप कर दिया, अब एंटर प्रेस करेंगे। तो एंटर प्रेस करते ही ये क्लियर हो गया। अब देखते हैं कि फाइल कमांड का थर्ड यूज क्या है। तो फाइल कमांड अलोंग विद एस्ट्रिक इज यूज टू सी द टाइप ऑफ ऑल फाइल्स प्रेजेंट इन द सिस्टम। तो हमारे इस ऑपरेटिंग सिस्टम में जितनी भी फाइल्स है, एक साथ हम चाहते हैं कि उन सारे फाइल्स की टाइप पता चल जाए कि वो जो सारी फाइल्स है वो उसकी क्या टाइप है। दैट मीन्स वो ऑर्डिनरी फाइल है, टेक्स्ट फाइल है, डायरेक्टरी फाइल है, एम्प्टी फाइल है, कौन सी फाइल है। तो सारी फाइल्स की टाइप को जानने के लिए हम क्या करेंगे, हम यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे जा करके टाइप करेंगे फाइल और एस्ट्रिक टाइप करेंगे। तो जितनी भी फाइल होगी ऑपरेटिंग सिस्टम में उन सारी फाइल के आगे ये बताएगा कि ये ऑर्डिनरी फाइल है, टेक्स्ट फाइल है या डायरेक्टरी फाइल है या कौन सी फाइल है। तो आइए इसका भी प्रैक्टिकल डेमो करके देखते हैं। तो यहाँ पे सारी फाइल्स के टाइप को जानने के लिए टाइप करेंगे फाइल और एस्ट्रिक टाइप करेंगे। तो ये मैंने एस्ट्रिक टाइप कर दिया। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैंने टाइप किया था फाइल एस्ट्रिक। तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम में जितनी भी फाइल है, यहाँ पे fedt.buf ये फाइल है, तो इसके आगे ये बता रहा आस्की टेक्स्ट है। दैट मीन्स ये वाली जो फाइल है ये एक टेक्स्ट फाइल है। अनिल नाम की जो फाइल है ये भी एक टेक्स्ट फाइल है। अनिल वन नाम की जो फाइल है ये भी टेक्स्ट फाइल है। कंट्रोल डॉट बैड फाइल जो है ये वेरी शॉर्ट फाइल है। और कंट्रोल डॉट CTL आस्की टेक्स्ट, दैट मीन्स ये टेक्स्ट फाइल है। DIR जो नीचे है ये डायरेक्टरी फाइल है। इसके बाद न्यू फाइल जो है ये एम्प्टी फाइल है। राजेश नाम की जो फाइल है वो डायरेक्टरी फाइल है। रवि नाम की जो फाइल है ये भी डायरेक्टरी फाइल है। तो फाइल कमांड के साथ एस्ट्रिक को यूज करके हमने एक साथ ही चेक कर लिया कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में या इस लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जितनी भी फाइल है उन सारे फाइल्स की टाइप क्या है, वो हमने एक साथ ही चेक कर लिया। तो ये था फाइल कमांड का थर्ड यूज। इसको क्लियर कर लेते हैं क्लियर कमांड से, क्लियर एंटर। तो इस तरीके से हमने देखा कि फाइल कमांड जो है उसका जो है इसको तीन तरीके से यूज कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।